आप कहेंगे कि आम बंदे के कॉन्सेप्ट ये है कि भाई बिल्डिंग ने और बिल्डिंग को पूरा बनाए और बनाने के बाद बेचे, इसमें क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चली जाती है। यानी हमारी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट होती है 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंटों में या 24 मंथली इंस्टॉलमेंट में, वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं म्यूचुअली जो क्या आपको फिजिबल है। तो आप अपना काम करते हैं कि अपनी इंस्टॉलमेंट भेजते हैं, यानी अगर 10 स्टोरी बिल्डिंग है तो समझ लो हर महीने एक लेंटर डलेगा, यानी कॉलम बनेंगे उसके ऊपर स्टील लेंटर डलेगा, इस तरह वो काम चलता रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल स्टेट में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है पिछले 3 साल से शुरू हुआ, जबकि इमरान खान साहब ने टैक्स एमनेस्टी दी और वर्टिकल बिल्डिंग का रिवाज दिया, तो उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। तरीकाकार क्या होता है, चाहे आप बहरिया टाउन के अंदर बिल्डिंग बनाएं या DHA में या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में, आप कमर्शियल प्लॉट लेते हैं या अपार्टमेंट बिल्डिंग का प्लॉट लेते हैं, उसके बाद आप अथॉरिटी यानी बहरिया, DHA, CDA, LDA, RDA, KDA उनके पास जाके तो आप अपना जो फ्लोर प्लान्स है वो अप्रूव कराते हैं कि भाई कितना रेशो होगी बिल्डिंग की, कितनी स्टोरीज होंगी, जितना बड़ा प्लॉट होगा उतनी मल्टीपल स्टोरीज जा सकते हैं, छोटा प्लॉट होगा तो कम स्टोरीज पे जा सकते हैं। ये सारा बायलॉज है, उसके तहत वो अथॉरिटी आपको, आप सबमिट करेंगे अपनी ड्राइंग्स यानी एलिवेशन फ्लोर प्लान्स, तो उसकी बेसिस के ऊपर अथॉरिटी आपको अप्रूवल देगी कि आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और वो आप नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बताएगी। अब फर्ज करें एक बिल्डिंग है उसके अंदर 50 यूनिट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो हम 50 यूनिट लोगों को सेल करेंगे, यानी प्लॉट हमने लिया, मैप अप्रूव किया, एलिवेशन फ्लोर प्लान अप्रूव किया, अब उसके बाद हम उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, साथ ही साथ हम यूनिट्स को सेल कर सकते हैं। आप कहेंगे कि आम बंदे के कॉन्सेप्ट ये है कि भाई बिल्डिंग ने और बिल्डिंग को पूरा बनाए और बनाने के बाद बेचें, इसमें क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चली जाती है। यानी हमारी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट होती है, ऊपर की इन्वेस्टमेंट जिनकी जो यूनिट खरीदते हैं उनकी होती है, इस तरह आधा फायदा हमें होता है आधा उनको होता है, यानी ये 50-50 प्रॉफिट बेसिस के ऊपर ये सारा काम होता है, क्योंकि जितना ही हमारा प्रॉफिट है फर्ज करें पर यूनिट, उतना ही उनका प्रॉफिट है जिन्होंने खरीदा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि उनका और हमारा सरमाया मिल के तो एक फिनिश बिल्डिंग की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। लोग यहाँ ये सोचते हैं कि शायद ये जो फ्लोर प्लान के बाद जो यूनिट सेल करते हैं और उसके ऊपर जो इंस्टॉलमेंट प्लान डिस्कस होता है, शायद इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस हैं। ऐसे कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, उसकी वजह कि हमारी कोशिश होती है कि 2 साल के अंदर बिल्डिंग डिलीवर कर दे 100%, ताकि जो कंस्ट्रक्शन की कीमतें बढ़ने वाली हैं उसके असरात ना पड़े। वो हम फोरकास्ट करते हुए रेट डिसाइड करते हैं कि इस रेट पे हम सेल करेंगे, तो उस टाइम के अंदर हम डिलीवर कर देते हैं, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो होंगे जो ये कारोबार होता है। पाकिस्तान में हर कारोबार में कोई हिडन चार्जेज कोई इस तरह होता है, तो हमारे कम से कम हमारे नहीं है, कुछ लोग इस तरह लेते होंगे हमारे नहीं है, ठीक है ना। तो वो उस पर वरी आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आपने 30% डाउन पेमेंट दिया, 70% आपने अगले 2 सालों में देना, फॉर एग्जाम्पल 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंटों में या 24 मंथली इंस्टॉलमेंट में, वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं म्यूचुअली जो क्या आपको फिजिबल है। तो आप अपना काम करते हैं कि अपनी इंस्टॉलमेंट भेजते हैं, हम अपने काम को तमाम मराहल के अंदर मुकम्मल करते हैं। यानी मराहल क्या होते हैं, पहले हम गड़ा जो है वो खुदाई करके प्लॉट की, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द बेस, कितने फुट नीचे जाना है, 15 फुट 20 फुट, अगर उससे भी नीचे जाना है तो फिर पाइल्स जाती हैं, तो वो एक बिल्डिंग जो है स्ट्रांग बिल्डिंग, क्योंकि आपने सुन रखा है ना जितनी बिल्डिंग ऊपर जाती है उतनी उसकी फाउंडेशन मजबूत होती है, तो फिर बिल्डिंग ऊपर जाती है, और जो बिल्डिंग आपको नजर आती है वो नीचे भी काफी बिल्डिंग होती है। तो फिर इस तरह हम उसको पहले लोअर ग्राउंड तैयार करते हैं, दीवारों को जो है वो RCC दीवार जो है वो स्टील और कंक्रीट के साथ मुकम्मल करने के बाद फिर कॉलम और छत वाला सिलसिला चलता रहता है। यानी अगर 10 स्टोरी बिल्डिंग है तो समझ लो हर महीने एक लेंटर डलेगा, यानी कॉलम बनेंगे उसके ऊपर स्टील लेंटर डलेगा, इस तरह वो काम चलता रहता है। और तकरीबन साल के अंदर, साल या 14 माह के अंदर, क्योंकि नीचे भी 4-6 महीने लग जाते हैं ना फाउंडेशन वाले, तो 10 ऊपर लगे महीने, तो 14 माह 16 माह यानी 1.5 साल तकरीबन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो 100% मुकम्मल हो जाता है। और इसमें 3 साल का टाइम होता है बड़ी बिल्डिंग में, वैसे मैं आप छोटी बिल्डिंग में 2 साल का होता है, तो फिर हमारे पास 1.5 साल का और अर्सा होता है कि जिसके अंदर बिल्डिंग 100% फिनिश हो जाती है,
जो ही हमने फ्लोर प्लान आपसे कमिट किया होता है कि इस तरह की टाइल्स लगेंगी, फ्लोरिंग होगी, सीलिंग होगी, अगर आप तशरीफ लाएं तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो वो आपको मेयार नजर आ जाता है, उसकी डोर्स, विंडोज, सारा कुछ वो फिनिश होता है। और उसके बाद आपके नाम जो है बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में वो सारी चीज आपके नाम पे हो जाती है, जो भी यूनिट है, क्योंकि आपने पेमेंट मुकम्मल कर दी है और हमने आपके नाम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। अब अगर फर्ज करें फिर आप बेचना चाहते हैं तो फिर बहरिया टाउन के हेड ऑफिस कैश काउंटर पर जाके आप जिसको बेचेंगे वो आपको पेमेंट करेंगे और आप उनको नाम ट्रांसफर देंगे, और इस तरह से मरहला, जिस तरह प्लॉटों का आमतौर पर होता ही है, ज्यादा लोगों ने प्लॉट खरीद रखे होते हैं, यूनिट से भी इसी तरह से होता है, और उसके बाद वहीं पे होता है। तो ये सारा मरहला है जो कि हमारा जिस तरह से काम है। अब ये काम बड़ा मेहनत तलब है, कैश फ्लो, पहली बात तो कैश फ्लो चाहिए होता है कि इंस्टॉलमेंट पीछे आएंगी तो वो आगे बिल्डिंग बनेगी ना। मैंने अर्ज किया ना कि अगर हमने खुद ही वाला पैसा लगाना हो तो फिर वो वाला मुनाफा भी हम ही कमाएंगे, तो इस तरह काम फिर स्लो हो जाता है, तो समय भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो उसमें जब लोगों को इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व कर देते हैं तो उससे फायदा ही होता है कि वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट एक बड़ी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होकर बिल्डिंग मुकम्मल हो जाती है, और इस तरह हम फिर अगला प्लॉट लेके तो नेक्स्ट बिल्डिंग शुरू कर देते हैं, और नेक्स्ट बिल्डिंग और नेक्स्ट बिल्डिंग, ये इस तरह से काम चलता रहता है। और ये सारा फार्मूला है, इसमें कोई आपके जेहन में सवाल हो तो वो आप बताइएगा। अच्छा, बिल्डिंग की जो आमतौर पर लोग पूछते हैं जी बिल्डिंग की कितनी उम्र होती है, तो ये तो आप जो यूके में रहने वाले हैं, यूके में तो घर जो बने हुए हैं वो 250-300 साल हो गए हैं बने हुए हैं, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अंदर से रेनोवेट होते हैं और फिर बिकते हैं, लोग खरीदते हैं वगैरह। तो ये बिल्डिंग्स भी जो हैं इनको भी 300-400 साल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 साल का आप जेहन में रखें कि बिल्डिंग की वैल्यू है इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि जितना कंक्रीट डलता है, जितना स्टील, जितना फाउंडेशन पे काम होता है, ये बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आपको याद होगा माजी में सादा सी बिल्डिंग्स बनती थी, वो भी 100-100 साल, 80-80 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये तो बहुत ही साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर जदीद बिल्डिंग है जो बन रही है, फायर फाइटिंग का पूरा निज़ाम है, हर चीज जो है वो क्वालिटी की है, और ये पौने पौने कीमत के ऊपर है, क्योंकि जूं जूं ये आगे टाइम जाएगा ये चीज़ें महंगी होंगी। तो ये सारा प्रोसेस है जो मैंने आपके सामने रखा है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।